बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौमी इम्प्लाइज न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अपडेट। नाज़रीन, पाकिस्तान में आइंदा माली साल के बजट की आमद आमद है और तमाम आवाम बिलखसूस सरकारी मुलाज़मीन की नज़रें जो हैं वो वफाकी बजट पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हर घंटे के बाद हर दिन महंगाई में इजाफा होता है। गुज़श्ता दौर में साल में दो मरतबा कीमतों में इजाफा होता था, लेकिन पीडीएम हुकूमत के क्याम के बाद इतनी परेशान कौन सूरत हाल है कि हर लम्हा महंगाई में इजाफा होता है और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका सरकारी मुलाजमीन का है और इनमें सबसे ज़्यादा पेंशनर हजरात का है। पेंशनर हजरात की पोजीशन ये है कि उनमें अक्सर लोग जो हैं वो ओल्ड एजेस हैं और उनका जो है पेंशन के सिवा दूसरा कोई ज़रा आमदन और सहारा नहीं और इस मामूली सी पेंशन में गुजर बसर करना और फिर अपना इलाज मुआवजा करना इंतई मुश्किल और बल्कि नामुमकिन है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और बिलखसूस पेंशन हजरात की पेंशन और उनके मेडिकल अलाउंस में खातिर खा इजाफा करें ताकि वो भी इस मुश्किल वक्त में अपनी गुजर बसर कर सकें। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों को चाहिए कि इस बजट में वो बजाय तरों में तकसीम होने के आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करते हुए सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात एक कुव्वत और ताकत के साथ हुकूमत के सामने रखें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50 और 30 फीसद के इजाफे की तवक्कोआत हैं, लेकिन हमेशा हमने देखा कि बजट से कबल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर 50-100 फीसद इजाफों का जो है वो खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन ऐन मौका पर सरकारी मुलाजमीन को महज 15 और 20 फीसद इजाफे से इससे ज़्यादा इजाफा हासिल नहीं होता। अब की बार चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100 फीसद भी इजाफा किया जाए तो वो महंगाई के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कम अज कम 50 फीसद इजाफा ज़रूरी है। इसी तरह पेंशन में भी 50 फीसद इजाफा इंतहाई ज़रूरी है। इससे कम इजाफा सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा और सरकारी मुलाजमीन इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि उनको मुलाजमत करना मुश्किल हो जाएगी। हम हुकूमत वक्त से उम्मीद करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम आवाम बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की पेंशन और तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा करेंगे।